श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि 50 लाख तक सालाना जो लोग कमा रहे हैं उन्हें गवर्नमेंट ने क्या एक फैसिलिटी दी है। देखिए, ये उन्हें जो फैसिलिटी दी है गवर्नमेंट ने वो ये दी है कि एक पेज का रिटर्न फॉर्म उनको सिर्फ भरना है और ये सिर्फ उन लोग के लिए जिनकी आमदनी वेतन और एक मकान के किराए से होती है। सरल फॉर्म पेश करने का मकसद ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए प्रोत्साहन करना और कर दायरा बढ़ाना है। नौकरी पेशा लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न भरने में अब ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। 50 लाख रुपये सालाना आमदनी वाले वेतन भोगियों के लिए सरकार सिर्फ एक पेज का इनकम टैक्स रिटर्न ला रही है। यह नई व्यवस्था 1 अप्रैल से लागू हो रही है। तो उल्लेखनीय है कि 76 लाख करदाताओं ने अपने 5 लाख रुपए से अधिक बताई है, जिनमें से 56 लाख लोग वेतनभोगी वर्ग के हैं। अभी यह फॉर्म अगले वित्त वर्ष में आएगा और आयकर रिटर्न फॉर्म काफ़ी सरल और एक पृष्ठ के रूप में होगा। यह फॉर्म वेतन से 50 लाख रुपए सालाना आय वाले लोगों के लिए उपलब्ध होगा, जबकि बजट में 5 लाख रुपए तक की आय वालों के लिए इसे प्रस्तावित किया गया था। देश में करीब 29 करोड़ पैन कार्ड धारक हैं, लेकिन इनकम टैक्स रिटर्न भरने वाले की संख्या मात्र 6 करोड़ है। तो ये जो कदम उठाया गया उसका मकसद सिर्फ रिटर्न दाखिल करने वाले लोगों की संख्या बढ़ाना है, जिससे कि कर संग्रह बढ़ाने में मदद मिलेगी। अभी जो इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म है वो 3 पेज का है। तो हमारे जो वित्त मंत्री हैं जेटली साहब, उन्होंने इस वर्ष कहा है कि टैक्स का दायरा बढ़ाने के लिए उन्होंने कारोबार आय से ऊपर 5 लाख रुपए कर योग्य सालाना आय वालों के लिए एक पेज का आयकर रिटर्न फॉर्म लाने की योजना बनाई है। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।